भाई आईफोन लॉन्च हो और लोग पागल ना हो ऐसा हो नहीं सकता। तो इंडिया में 22 सितंबर को लॉन्च हुए थे आईफोन 15 और आईफोन 15 के लिए हमें पहले ही पता था कि बहुत ज्यादा मारामारी होने वाली है। नीतू आराम से प्रे कर तब मॉल में आई थी और हमें उम्मीद नहीं थी कि आज हमें एक भी आईफोन मिल जाएगा। आईफोन तो बाद में मिलेगा, उससे पहले हमारे कुछ प्यारे से सब्सक्राइबर्स हमें यहाँ पर मिल गए जिन्होंने हमारे साथ फोटोज लिए और हमें बहुत अच्छा फील कराया। उसके बाद आईफोन वाले स्टोर में देखते हमारे तो आंखें फट गई, इतनी भीड़ कि मानो कोई यहाँ पर सर्कस चल रहा हो। हम लोग इसी उम्मीद से अंदर आ गए कि शायद अपने को आज कुछ मिलेगा नहीं, लेकिन डिस्प्ले में रखा हुआ आईफोन दिख जाएगा, उसी से हम अंदाजा लगा लेंगे आईफोन है कैसा। नीतू देखो खुशी में डांस क्यों कर रही है, ये आपको थोड़ा आगे जाके पता चलेगा। 5 आईफोन, मतलब एक की भी उम्मीद नहीं थी और हमें यहाँ पर 5 आईफोन मिल गए। लेकिन वो ऐसे ही नहीं मिले, हमने ऑलरेडी प्री बुक कराए हुए थे। प्री बुक में भी क्या होता है, कई बार प्री बुक आप करा देते हो लेकिन अवेलेबल जो कस्टमर वहाँ पर आते हैं उनको वो दे देते हैं। लेकिन ये इस एप्पल स्टोर की खासियत है DLF मॉल ऑफ नोएडा में कि इन्होंने हमारे प्री बुकिंग किसी को नहीं दिए। आप सोचो ऐसा लग रहा था जैकपॉट हाथ में लग गया। स्टोर में सब लोग हमें ऐसे देख रहे थे कि वाह भाई किस्मत हो तो ऐसी, क्योंकि कहाँ लोगों को एक आईफोन नहीं मिल रहा, हम 5 आईफोन लेके घूम रहे हैं। उधर आप देख सकते हो लोगों ने फोटोज खींचे नीतू के साथ, उसके बाद हमने इन सब आईफोन्स को खोलकर इन पे स्क्रीन गार्ड लगवा लिए, क्योंकि 5 आईफोन अपने को पड़े थे 8.5 लाख रुपए के और हम नहीं चाहते कि कुछ भी इसमें स्क्रैच भी पड़े। फिर यहाँ पर नीतू ने अपने आईफोन अनबॉक्स करे। ये जो 5 है ना, इनमें 2 आईफोन नीतू के खुद के हैं, 1 आईफोन मेरा है और 2 नीतू की बहनों के। आप इधर देख सकते हो सबसे पहला चेंज जो मैं आईफोन खोलते दिखा वो था इसका टाइप सी पोर्ट और इसका वेट में इतना ड्रास्टिक चेंज जो कि मिनिमल है। एप्पल क्लेम करता है कि पता नहीं कितना उन्होंने हल्का आईफोन बना दिया, ऐसा हमें तो नहीं लगा, पता भी नहीं चल रहा इनफैक्ट वेट का। और एक अच्छी बात यह है कि हमने जितने भी आईफोन लिए सारे डिफरेंट कलर्स के थे, तो आपको किसी का भी फीडबैक लेना हो हमारी वीडियोस देखते रहना। उसके बाद हमने आईफोन को कराया अपने को तंदुरुस्त, क्योंकि यूज़ करने से पहले इन पे स्क्रीन गार्ड और कवर लगाना ज़रूरी है। भाई ऐसा बोलते हैं कि अगर कई बार आईफोन नीचे गिर जाए और चट से आवाज़ आए तो इंसान उम्मीद करता है कि उसकी हड्डी की आवाज़ हो, क्योंकि हड्डी तो दोबारा लग जाएगी, लेकिन आईफोन बहुत बड़ा नुकसान करा जाएगा। यहाँ पर सबका पेमेंट एक बार में हुआ भी नहीं, क्योंकि क्रेडिट कार्ड की लिमिट होती है ना कि आप एक दिन में 4 लाख से ज़्यादा खर्च नहीं कर सकते। यहाँ तो बिल इतना सारा आया कि हमें 2-3 बार में पे करना पड़ा। उसके बाद नीतू की खुशी के तो कोई ठिकाने नहीं थे। मैं थोड़ा सा यहाँ पर ब्लॉग बना रहा था और नीतू को देखो अपने बिल्स लेके आईफोन के डब्बे लेके ऐसे घूम रही थी जैसे पता नहीं क्या मिल गया हो। वैसे खुश भी क्यों ना हो, क्योंकि आज के दिन आईफोन मिल जाना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। ये भीड़ आप देख सकते हो, ये सब वो लोग हैं जो यहाँ पर आईफोन खरीदने आए हुए थे और सुबह 4 बजे से यहाँ पर लाइन लगी हुई थी, लेकिन अफसोस सारे आईफोन्स ख़त्म हो चुके थे। हम लोग वैसे भी दोपहर में पहुँचे थे। मुझे तो कई बार ऐसा लगता है कि ये सब आप ही की दुआओं का नतीजा है। थैंक यू सो मच इतने सारा प्यार देने के लिए और प्यार ऐसे ही बनाए रखना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। कल मिलेंगे नई वीडियो के साथ। बाय बाय।